सर्वप्रथम हिंदुत्व एक विमर्श इस नए पुस्तक के लेखक को, इस पुस्तक को समाज के लिए लेकर आने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज अभी लेख मैं सोच रहा था यहाँ बैठकर, इधर से इंदुशेखर जी तो तत्पुरुष इंदुशेखर जी तो स्वयं सतत हिंदुत्व पर लिखते हैं और उनके बारे में काफ़ी वर्णन भी हुआ। पहले मैं उनके इस कार्य के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, थोड़ा जानता था कि वो लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब इस पुस्तक के बारे में मैं जयपुर प्रवास में उन्होंने पूरा वर्णन किया बताया, फिर किताब भेजी और किताब पढ़ी भी मैंने पूरी, बहुत दिन पहले पढ़ी, छपने से पहले पढ़ने का अवसर मिला, कितना स्मरण है वो अलग विषय, लेकिन पूरी किताब मैंने पढ़ी जाने से पहले, तो वो विवाद से परे है कि मतलब उनकी विद्वत्ता के बारे में। फिर इधर पत्रकारिता के दो लोग बैठे हुए हैं, एक पत्रकारिता का जो केवल प्रोफेसर नहीं है, उसका जो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रमुख मान्यता प्राप्त, उसके महानिदेशक है संजय जी और लंबा अनुभव है। उधर पांचन्य का को लेकर रोज़ जो मतलब उद्घोष होता है उसके संपादक है, और जहां हम बैठे एकात्म भवन, महेश जी खुद यहां बैठे हैं, वो तो हम सभी के लिए मतलब एक मार्गदर्शक है, उनका जो अध्ययन है, विचारों की स्पष्टता है। तो और फिर इधर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोग हैं, हर कोई लिखने पढ़ने वाले साहित्य के, तो वैसे उस दृष्टि से मैं साहित्य जगत का व्यक्ति नहीं हूँ मतलब, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब क्या कहा जाए मतलब इतने सब लोगों के बीच में। लेकिन जो मोटी मोटी बात मेरे को मुझे समझ में आती है कि हमारा एक ऐसा देश है कि जिस देश में जो बात वेदों में कही गई, वेदवाणी के रूप में कही गई, वो परिश्रम पूर्वक कई वर्षों के प्रयास से और कई लोगों के प्रयास से और कई पीढ़ियों के प्रयास से सामान्य जन तक पहुंचाई गई, जिसका अनुभव हम आज भी ले सकते हैं। वेदों में जिस एकत्व की बात की गई या परस्पर हमारे संबंध की बात की गई कि हम लोग अलग अलग नहीं है, हमारे बीच में कोई एक ऐसा धागा है संबंधों का, हम जुड़े हुए हैं, मतलब ये बात की अनुभूति जिनको आजकल की हमारी आधुनिक भाषा में हम जो अनपढ़ कह सकते या जिनका शिक्षा से संबंध नहीं ऐसा कह सकते, दूर दराज रहने वाले लोग कह सकते, हम अपने गांव की एक सामान्य परिस्थिति में आज की अंग्रेजी या आज की स्कूली शिक्षा में नहीं गए ऐसे लोगों के व्यवहार में भी उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में के हर कहीं जगह देखने को नहीं मिलता है, कहा कुछ गया फिर पहुंचा कुछ और कई लोगों को तो इतना ही पहुंचा कि जो बताया उसको फॉलो करते रहो, परंतु भारत में ये एक विशेषता रही और जिसके कारण पूरा भारत एक साथ मिलकर अपने उस ज्ञान के साथ लगातार चलता गया, और यही एक कारण है जिसके कारण हम सब एक भी रहे और हम सब लोग आगे भी बढ़ते रहे। तो भारत के हजारों वर्ष तक शांतिपूर्ण तरीके से और समृद्धि की मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग साथ में जोड़कर चलने का जो हजारों वर्ष का हमारा यात्रा है, हम लोगों की जो लंबे समय तक चली, अबाधित रूप से चली, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था ये कि
शायद शब्दों का भंडार कम ज्यादा होगा, लेकिन ज्ञान की जो समझ थी उसका स्तर समान रूप से हमारे समाज में प्रसारित था। और उसको अगर आज के शब्दों में हम अगर वर्णन करें तो वो हिंदुत्व का ही भाव था, जिससे हम एकात्मता समझते थे, परस्पर अपने रिश्तों को समझते थे, अपने एकत्व को समझते थे, अपने संस्कृति को समझते थे, अपने जीवन व्यवहार को भी समझते थे। ये लगातार एक साल नहीं, दो वर्ष नहीं, पीढ़ियों तक, हजारों वर्ष तक अबाधित रूप से भारत में चलता रहा। और स्वाभाविक रूप से काल के प्रवाह में वही हमारी, हमारा परिचय बना है, वही हमारी नियति बनी। निश्चित रूप से इस प्रवाह में कुछ बाधा उत्पन्न हुई। जब कोई प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुविधाएं, कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे समाज जीवन की इस प्रवाह में भी कोई बाधाएं ऐसी आई, और जिसके कारण ये जो ज्ञान का स्तर था, ये हिंदुत्व की जो समझ थी और उसका प्रतिबिंब अपने जीवन में था, उसमें कोई ना कोई फेर आया, फर्क आया। और उसका फिर जो विपरीत परिणाम है, हम जीवन के हर क्षेत्र में आज अनुभव करते हैं। इसलिए आज अगर हम फिर से उस प्रवाह को, जो बाधित हुआ है उसको, फिर से उस बाधाओं को निराकरण करना चाहते हैं और उस बाधाओं से इस प्रवाह को मुक्त करते हुए फिर से प्रवाहित, उसी तरह से शुद्ध रूप से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो उसका मूल उपाय यही होगा कि जो हिंदुत्व की उस वेदों से जो प्राप्त हमारे विचार है, या उस समय से अनुभव सिद्ध उन विचारों की जो समझ है, जिसको हम हिंदुत्व की समझ कह सकते हैं, हमारे एकत्व की अनुभूति है, हमारे परस्पर संबंधों को समझना है, उससे हमारे व्यवहार को निर्धारित करना है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के व्यवहार को निर्धारित करना है, तो वो हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आज हम पुनः अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, एक ये सब लाना चाहते हैं, तो हमें वो प्रवाह की बाधा समाप्त करनी होगी, और दूसरा कोई प्रवाह आके इस प्रवाह को, बाधा को समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया में ऐसा प्रवाह नहीं जिसको हम यहां प्रवाहित कर देंगे और फिर हमारा ये प्रवाह चल पड़ेगा या शुद्ध हो पाएगा, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे प्रवाह प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से प्रवाह हम लेके आएंगे, उसको यहाँ प्रवाहित कर देंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है क्योंकि जहां से ये प्रवाह चल रहे वहां भी वैसा नहीं हो पाया, वहां भी ऐसी अनुभूति किसी को मिली नहीं है, जबकि ये अनुभूति हजारों वर्ष तक पूरे विश्व ने की है कि ये प्रवाह जब चलता रहा, उस प्रवाह की जो धाराएं निकली उससे पूरा विश्व प्रफुल्लित होता रहा, उसका ही नाम हिंदुत्व है। और जब ये प्रवाह बाधित हुआ तो पूरे विश्व में वो धाराएं भी बाधित हुई, जिसका परिणाम और जिसकी विपरीत अनुभूति पूरा विश्व भी कर रहा है। बहुत सारे नए प्रश्न आज आधुनिक जीवन में जो आए हैं वो इस समझ के कारण आए हैं, और इस समझ को केवल अगर विद्वानों ने, कुछ लोगों ने समझ लिया तो ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। इस देश के सामान्य से सामान्य लोगों तक इस हिंदुत्व की जो समझ है उसको पहुंचाना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, और जिस राष्ट्रीय कार्य में जिनको भी इस कार्य में थोड़ी गति है उनको और अपनी गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। जितना गति से और जितने अच्छे तरीके से, मजबूती से ये कार्य किया जाएगा, तो हमारे मन में जो कल्पना है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो कार्य संभव है। और इसलिए आज ये हिंदुत्व के जो संदर्भ है
जीवन के हर क्षेत्र को जो स्पर्श करता है उसको व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। सामान्य शब्दों में, सबको समझ में आए ऐसे शब्दों में, इतना विस्तारित हो कि समझ में आ जाए, इतना भी न हो कि परे हो जाए, इतना भी संक्षिप्त न हो कि समझ में न आए, तो इसको बड़ा ठीक तरीके से समझकर उसको प्रवाहित करने की ज़रूरत है। आज मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व का जो थोड़े थोड़े चिन्ह समाज में निकल के आ रहे हैं कि जब ये प्रवाह थोड़ी बाधाएं हटती है तो कैसे प्रवाहित होता है, इसका अनुभूति थोड़ी थोड़ी हमें भी आ रही है और पूरे विश्व को भी आ रही है। आज हिंदुत्व का मूल जो तत्व है कि एकत्व की अनुभूति, कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो हमें एक दूसरे की चिंता भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति हमारी ऐसी स्पर्धा नहीं हो सकती, ऐसी स्पर्धा नहीं हो सकती कि जो एक अंग्रेजी में शब्द उपयोग करते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, हाँ, तो ये एक शब्द उपयोग करते हैं। अब अलग अलग लोग इस पर अलग व्याख्यात कर सकते हैं, अच्छा है, वीर वृत्ति होनी चाहिए, हम भी उसके उपासक हैं, लेकिन वीर वृत्ति धर्म की स्थापना के लिए होनी चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए होनी चाहिए। विद्वान लोग इस पर बहुत सारे संस्कृत सुभाषित भी आपको सुना सकते हैं। तो ये ऐसी प्रतिस्पर्धा दुनिया में होने से दुनिया में शांति नहीं आ सकती और समृद्धि नहीं आ सकती। आज के आधुनिक समय में जो अर्थशास्त्र के नियम चल रहे हैं, जो मार्केट इकोनॉमी या बाजार की प्रतिस्पर्धा पर ही निर्धारित किए जा रहे हैं, तो उनको बदलकर हिंदुत्व आधारित करना होगा। प्रतिस्पर्धा जरूर हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को आगे प्रोत्साहित करने के लिए हो कि मैं 4 कदम बढ़ रहा हूं तो मुझे देखकर तुम भी 8 कदम आगे बढ़ो। इसके लिए आवश्यक नहीं कि मेरे 4 कदम को मैं 2 कर दूं तभी मैं 4 कदम जाऊंगा। ये जो सामान्य हिंदुत्व के आधारित हम इस आधुनिक समय में भी अपने नियमों को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता आ रही है, जिससे हम अपने ऐसे समृद्धि के रास्ते बना सकते हैं जिसमें वास्तव में विश्व में शांति आ सकती है और सबके लिए समृद्धि आ सकती है। कुछ देशों की समृद्धि तभी, क्योंकि अगर हम पिछले 100-200 वर्ष का इतिहास देखेंगे, 200-300-400 वर्ष का, तो नियम तो यही चल रहा है कि कुछ देशों का शोषण करो तभी कुछ देशों की समृद्धि हो सकती है। पूर्व के देशों का या विश्व के ऐसे देशों का शोषण हुआ तब कुछ देशों की समृद्धि हुई है। अब ये मॉडल तो दुनिया भर में नहीं चल सकता। इससे तो जैसे कुछ विचारकों ने कहा था, वामपंथी विचारक मार्क्स ने, कि भाई ये सतत ऐसा ही संघर्ष चलता रहेगा, इससे कोई छुट्टी नहीं है। गलत है, अधूरा विचार है वो। आप परस्पर इस हिंदुत्व के भाव को अगर हम उस आधारित व्यवस्था बनाते हैं तो इससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और परस्पर सामंजस्य से सबकी प्रगति का रास्ता बन सकता है। और इसलिए आधुनिक संदर्भ में जितने भी मनुष्य जाति के सामने, हमारे देश के सामने, समाज के सामने जो विषय है, उसमें हिंदुत्व के उस भाव को लागू करना, उसको समझना और उसके आधार पर नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना, ये हमारे लिए एक करणीय कार्य है। आगे अभी तक समाज में इस बातों को समझने की मनस्थिति नहीं आई थी, क्योंकि बहुत सारे आवरण बनाए गए थे। धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में ये आवरण टूटते जा रहे हैं, जो अनावश्यक आवरण है वो टूटते चले जा रहे हैं और बात स्पष्ट हो रही है। मैं कल ही एक जगह गया था, दो दिन पहले एक जगह गया था, तो
छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रासंगिकता के बारे में एक विचार विमर्श चल रहा था और उनसे क्या सीखना चाहिए इसके बारे में विचार विमर्श था। तो मैंने जो बात वहां कही मुझे लगा कि यहां भी वो बात मुझे उल्लेखित करना चाहिए। मैंने कहा कि उसकी प्रासंगिकता को अगर समझना है तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग। जब मुगल काल आने से पूर्व हमारे देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमारे जिसको मैं हिंदुत्व कह रहा हूँ उस आधारित थी। ठीक है, उसमें भी कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की तो प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, परंतु उसके आधारित व्यवस्थाएं हमारे समाज में स्थापित थी और उसमें भी कुछ दोष थे, उसके निवारण की अपने आप ही उसके अंदर एक व्यवस्था थी। समाज में ऐसे लोक जागरण की प्रक्रिया भी सतत चलती थी कि दोषों का जिससे निवारण हो जाए। तो जब मुगल काल आया तो उन्होंने हमारी उन व्यवस्थाओं को एक तरीके से पूरी तरह बदल दिया, खेती में, टैक्सेशन में, प्रशासन में, हमारी भाषा में, शिक्षा में, हमारे जितने भी मतलब जीवन के क्षेत्र थे सब, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह उन्होंने संगीत, नाट्य, कला, लेखन सब हर एक को उन्होंने अलग तरीके से प्रभावित किया और उन व्यवस्थाओं को एक तरीके से ध्वस्त करने का ही सारा एक प्रयास चला और काफ़ी मात्रा में उन्होंने उन व्यवस्थाओं को बदलकर अपने तरीके की व्यवस्थाएं स्थापित कर दी। जब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ तो उन्होंने, उनके बारे में हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने मतलब मुगलों से या उन शक्तियों से बड़े वीरतापूर्वक लड़ाई की, ये हम जानते हैं सब लोग। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राज्य स्थापित किया तो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए और उन्होंने जो उनके उनकी जो व्यवस्था थी मुगलकालीन, उन व्यवस्थाओं को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। उसका बहुत सारा वर्णन किया जा सकता है, खेती में क्या सुधार किए, टैक्सेशन में क्या किए, प्रशासन में क्या किए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में क्या किए, मिलिट्री हायर की थी उसको भी उन्होंने बदल दिया। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं तो 1628 में जो कामकाज की भाषा होती थी महाराष्ट्र में, उसमें जो शब्द थे उसमें लगभग पर्शियन भाषा के शब्द और मराठी के शब्द, तो उसमें मराठी भाषाओं का जो शब्द का परसेंटेज था वो 14.4 था, 14.4। जब 1674 में शिवाजी राज्याभिषेक हुआ उसके बाद 1678 में, चार साल बाद, उसमें पर्शियन भाषा के शब्द और मराठी भाषा के शब्द, कामकाज की जो भाषा थी उसमें, तो मराठी भाषा के जो शब्द थे उसका परसेंटेज 62.2 हुआ, चार वर्ष के बाद। और 1728 मतलब जब मराठा साम्राज्य चल रहा था, उन्होंने अपने भाषा को फिर से और उससे समृद्ध करते चले गए और 1728 में ये स्टैटिस्टिक 93.4 हो गया। अब मैं ये केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये वी आर राजवाड़े जी का अनुसंधान है पूरा, उनका एक पूरा काफी इस पर विस्तार से कभी आप लोग पढ़ सकते, विद्वान लोग हैं। तो ये एक सुधार मैंने बताया, ऐसे कई सारे सुधार हुए। अब ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने, जब ये शासन जाके कुछ कमजोरी रही हमारे, तो दूसरा शासन आया ब्रिटिश का, उन्होंने फिर से सारी चीजें ध्वस्त करते हुए सारे बदल दिया और फिर से एक नया ब्रिटिश व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई। अब जैसे मुगलों के बाद शिवाजी का और बाद में मराठा शासन आने के बाद उन्होंने ये सारे बदलाव किए, लगभग ये सारे बदलाव को उन दिनों फिर जितने भी ऐसे राज्य छत्रसाल से लेकर सब स्थापित हुए, उन्होंने भी लगभग इस व्यवस्था को अपने उसी प्रमाण में लागू कर दिया। तो मतलब व्यवस्था बदल गई। अब ब्रिटिश जाने के बाद शिवाजी जैसे महाराज से प्रेरित होकर नेतृत्व को वैसा ही डीकॉलोनाइजेशन कुछ 4-5 वर्षों में कर देना चाहिए था। तो वो कार्य नहीं हो पाया।
तो इसलिए हिंदुत्व की वो समझ ऊपर से नीचे तक आवश्यक है, तभी ये डीकोलोनाइजेशन का जो कार्य है वो पूर्ण हो सकता है। कुछ समझ के कारण कुछ कार्य कैसे होता है इसकी अनुभूति हम ले रहे हैं, परंतु ये समझ ऊपर से लेकर नीचे तक सामान्य लोगों तक बहुत गति से स्थापित करने की आवश्यकता है, तब हम इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जो इसलिए मैंने आपको स्टैटिस्टिक बताया कि एक छोटी सी चीज को कैसे होता है, तो मुगलों के बाद जब व्यवस्थाएं बदली गई और ब्रिटिश जाने के बाद जल्दी से इस व्यवस्थाओं को बदलना है ठीक तरीके से, डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है बहुत जल्दी से। लेकिन उसकी पूर्व शर्त होगी कि इसके प्रति अगर सहमति बननी है तो हिंदुत्व के बारे में और उसके आधारित समझ बनेगी, तो उसके आधारित जीवन अपना होना चाहिए, इसकी इच्छा समाज में बनेगी। और ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर पूरे विश्व में उसके प्रति आकर्षण निश्चित होगा। तो हम हिंदुत्व आधारित एक विश्व शांति हम स्थापित कर सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, परस्पर एक जीवन की वो पद्धति को हम ला सकते हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस महान कार्य में जितना भी योगदान जो भी करेगा वो महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से ये जो आज इस पुस्तक के द्वारा हिंदुत्व एक विमर्श के नाम पर जो एक प्रयास आज हुआ है और आप सब लोगों ने इस प्रयास को प्रोत्साहित किया है, मुझे लगता है हमारा ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस प्रयास से भी हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में निश्चित रूप से हम कुछ कदम बढ़ने के लिए निश्चित योगदान होगा। ये कार्य ऐसा ही आगे बढ़े और हम सब लोग इस कार्य को आगे लेकर जाएं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।